इस तरह की सोशल इमेजेस बनाने के लिए सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ सर्च बार में लिखना है क्रिएट इमेजेस। जैसे ये मैं आपके सामने लिख लेता हूँ, क्रिएट इमेज बिंग। अच्छा, इसको आपने ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देखें, दूसरे नंबर पर आपके पास जो इस तरह की एक वेबसाइट जो है वो आ जाएगी। जैसे देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर जो है अपना क्रोमा जो है वो लिखना है, यानी आपने अपना जो है वो लिखना है कि किस तरह की आपको जो है वो तस्वीर चाहिए। इसके लिए मैं टेक्स्ट जो है वो मेरे पास लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको ईज़िली ले सकते हैं। उस टेक्स्ट को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो इस तरह का जो है हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें जो है अपना नाम चाहिए, तो ये योर नेम को जो है हम हटा के अपना यहाँ पर नाम लिख देंगे। मैं जो है अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। ये टैग 1 by Sabir जैसे लिख के ये क्रिएट पे हम दबाएंगे तो हमारे सामने जो है वो इस तरह का रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये देखें हमारे सामने जो है वो तस्वीरें जो है वो बन के सोशल मीडिया की हमारे सामने आ रही है। उसके बाद इस तरह का जो है वो हमारे पास तस्वीरें जो है वो बन के आ जाएंगी यूट्यूब की। अब हमें जो भी अच्छी लगती है उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। जैसे हम यहाँ से देख लेते हैं कि कौन सी डाउनलोड करें। देखें हमारा चैनल का नाम भी पीछे लिखा हुआ आया है और ये तस्वीर भी बन के आ गई है हमारे पास। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, और देखें ये चैनल का नाम भी आपके सामने जो है वो इस तरह शो हो रहा होगा। ये देखें इस तरह जो है जो भी आपको तस्वीर जो है वो पसंद आए उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, और अगर आप जो है वो व्हाट्सएप की तस्वीर भी इस तरह बनाना चाहते हैं तो यहाँ आकर मैंने जहाँ लिखा हुआ है कि YouTube चैनल के लिए, YouTube ये मैंने लिखा हुआ है YouTube के लिए, तो आप यहाँ पर जो है WhatsApp लिख दें तो आपका WhatsApp के लिए भी बन के आ जाएगा। ये देखिए मैंने WhatsApp लिख दिया, क्रिएट करेंगे। अब ये WhatsApp इमेज जो है वो बन के हमारे सामने आ जाएंगी। थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके बाद जो है ये हमारे पास शो कर देगा। ये देखिए इस तरह जो है हमारे पास ये भी बन के आ गई व्हाट्सएप की इमेजेस। अब यहाँ से हम जो भी चाहें इसको भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से खोलें इसको, जो भी तस्वीर आपको अच्छी लग रही है आप यहाँ से इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत जो है वो रिज़ल्ट आया है। इसको जो है हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, आसानी से जो है ये डाउनलोड हो जाएगा हमारे पास। इसको यहाँ से हम डाउनलोड इसको भी कर लेते हैं। अच्छा, इस पर अब आप अपनी तस्वीर लगाने के लिए क्या करेंगे, दोबारा जो है वो गूगल क्रोम पे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे रीमेकर AI, ये मैंने लिख दिया। इसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद ये पहला रिज़ल्ट आपके सामने आएगा, इस पर जो है आपने क्लिक करना है। तो इस पर जो है हम क्लिक कर देते हैं। ये देखें इस तरह का फेस हमारे सामने जो है वो इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। ये पहला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इस पर जो है हम क्लिक कर देंगे। और ये फर्स्ट पर अपलोड इमेज जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर जो है हम अपनी इमेज जो है अपलोड करेंगे जिसका हमने तस्वीर चेंज करनी है, बैकग्राउंड जो है हमने वो अपलोड करना है। ये जैसे मैंने अपलोड कर दिया, इस पर जो है हमें तस्वीर अब जो चाहिए यहाँ दूसरे नंबर पे हम वो वाली तस्वीर जो है यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसको यहाँ अपलोड करेंगे तस्वीर को, जो भी आप तस्वीर यहाँ पर अपलोड करना चाहें, मैं ये वाली कर देता हूँ और डन कर देता हूँ। अब इसको जो है नेक्स्ट करते हैं।
यहाँ पर जो है आपकी तस्वीर बन के आपके सामने शो हो जाएगी और आपकी तस्वीर भी इस पे लग जाएगी। ये देखें आपकी तस्वीर जो है इस पर लग चुकी है। देखें कितना खूबसूरत जो है वो रिज़ल्ट आया है, एआई तस्वीर जनरेट जो है वो हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे हमारी गैलरी में। इस तरह जो है ये डाउनलोड होके आ जाएगी। व्हाट्सअप की अगर बनाना चाहते हैं उसको भी आप इस तरह जो है वो अपडेट कर सकते हैं।